Hey guys, welcome back to my channel. This is Hania Adnan here. और मुझे पता है कि मैं कुछ हफ्तों से वीडियो अपलोड नहीं करी थी because the reason was कि मेरे एग्ज़ाम शुरू हो गए थे. अब हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, so we finally decided to shift into a new house. तो इसलिए बस मैं थोड़ा बिजी थी क्योंकि हमें घर की शिफ्टिंग करनी थी. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी शिफ्टिंग आप लोग के साथ शेयर करूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अभी मैं हमारे अपार्टमेंट के बाहर ही खड़ी हुई हूँ, नंबर 4. सो अब मैं आप लोग को अंदर दिखाती हूँ. हम लोग शिफ्टिंग ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं. अभी हम लोगों ने अपने कमरे, अलमारी सब कुछ खाली कर लिए हैं. जो हमारा घर है वो बिल्कुल रेलवे स्टेशन बना हुआ है यू गाइस, बिकॉज देयर आर सो मेनी कर्टन्स एवरीवेयर. तो चलें शुरू करते हैं. सो गाइज, लेट अस स्टार्ट आवर टूर. हमारा अपार्टमेंट सेकेंड फ्लोर पे लोकेटेड है और अभी हम लोगों ने शिफ्टिंग स्टार्ट नहीं की है क्योंकि हमें थोड़ा घर की सफाई करनी थी. तो सोचा कि हम लोग ऊपर आए. मैंने, हाशा और जोया ने बाबा और मम्मा की मदद की थी घर साफ करने के लिए. सो गाइज, पहले तो हमारा वॉशरूम आ गया. इस वॉशरूम में हम लोगों ने यह सोचा है दैट वी आर गोना कीप द वॉशिंग मशीन एंड ऑल्सो द क्लीनिंग डिटर्जेंट्स इन दिस वॉशरूम. आगे बढ़ेंगे तो ये जो कमरा है इसे हम बनाएंगे ड्राॅइंग रूम, जहाँ पर सारे हमारे गेस्ट बैठेंगे और ऑल्सो द टी वी विल. क्योंकि इस घर में दो किचन है, हमने सोचा कि पहले किचन को हम स्टोर बना देंगे. सो गाइज, दिस इज़ आवर पेरेंट्स रूम एंड इट्स ऑल्सो द फर्स्ट बेडरूम. अभी प्लान ये है कि जब हमारा शिफ्टिंग कम्प्लीट हो जाएगी तो शुरू के कुछ दिन हम लोग अपने अम्मी अबू के कमरे में ही गुजारेंगे. गाइज, ये हमारा लाउंज है. इस लाउंज में हम लोग अपनी डाइनिंग टेबल रखेंगे और अभी हमारा प्लान ये है कि हम लोग इसी जगह पे बैठ के अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी लेंगे. ये है हमारा पाउडर रूम और यहीं पे गेस्ट वॉशरूम भी है. अब चले हम लोग आगे चलते हैं और अब आ गया हमारा कमरा. मैं और जोया अपना कमरा शेयर करेंगे एंड दिस विल बी माई वॉशरूम बिकॉज इट्स कनेक्टेड टू माई रूम. Our bedroom is painted purple, whereas Harsher's is painted grey. So this is Harsher's room. It is painted grey and it has one single bed with a drawer. और हम लोग यहाँ पे अलमारी भी रखेंगे. हाशर के कमरे से निकलते ही हमारे पास किचन आ जाता है. इस किचन में हम लोगों ने सारी चीज़ें शिफ्ट नहीं करी हैं. अभी सिर्फ ये जार्स हैं जिनमें हमारे पास मसाले हैं. लाइक आवर प्लेट्स आर लेफ्ट to come here in the kitchen and also a few containers which contain the rice and flour. वो भी अभी shift करना रहते हैं. Of course guys, I need to help my mother set the kitchen as well. So this is me helping her put all of the jars which is in this carton up in the cabinet. Guys, my mom has her own way of putting all of the jars in the cabinet. So she was telling me on how to keep them properly, like one kind of jar will be on the one side of the shelf. She likes to do this so that she doesn't get confused and it also looks a lot more organized like this. So guys, right now I'm standing in my room. Actually ये सिर्फ मेरा रूम नहीं है, ये जोया का भी रूम है क्योंकि हाशिर अब बड़ा हो गया तो उसको एक अलग कमरा चाहिए. उसका कलर, जो कमरे का रंग है वो है ग्रे. Because we wanted to paint the walls but then in the end we decided it's not worth it. So we just left the walls the way they were. Hamare kamre ka rang purple hai and as purple is a girl color we decided to go with it. Although if I prefer I would have taken any of them because grey is like one of my choices. Hum logon ne apne liye ek naye bistar khareede the, mera, Hashir aur Zoya ka same bistar hai. They all are single beds, three single beds. और हम लोगों ने ये महमूद सईद से बनवाए थे. महमूद सईद इज़ ए लार्ज मार्केट इन जद्दा. तो वहाँ पर आपको एवरी डे फर्नीचर मिलता है, डेकोरेटिव आइटम्स, कर्टन्स एंड सो मैनी मोर थिंग्स. इट्स लाइक लिटरली अ वंडरलैंड एंड वेन एवर यू गाइज़ आर शिफ्टिंग सो इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट. Guys, right now it is 9:19 in the morning and we have finished packing our house. Like everything, there are so many things in the house right now. Har jagah cartons hai, thailiyan hai and a lot of things. So let me show it to you guys. These are all of the cartons. We have labeled them. Like this is the kitchens, this is the clothes and all. All of these suitcases are also filled with clothes which we normally don't use, like winter clothing we don't usually wear over here, so they are all in the suitcases. This is our kitchen
the one from where we are shifting. We emptied all of the cabinets. And this, guys, was our room. So guys, this is our bedroom, me and Zoya's. अभी हम लोगों ने इसे पूरी तरह सेट नहीं किया है, हमने अभी पर्दे नहीं लगाए हैं और हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें यहाँ पे नहीं रखी हैं जो होनी चाहिए. तो ये हमारा रीडिंग नुक है. वी डिसाइडेड टू पुट अ रीडिंग नुक इन आवर बेडरूम क्योंकि मैं पढ़ती बहुत हूँ किताबें. सो दैट्स वाई वी डिसाइडेड टू कीप द रीडिंग नुक इन माई रूम. ये रहे हमारे कॉटन्स और ये 3 कॉटन्स हमारे बेडरूम में सेट हो जाएंगे. ये मेरे कपड़े हैं सारे इस वाले डिब्बे में. एंड देन दीज आर दी बेड शीट्स एंड टॉवल्स. हमारी अलमारी हमने यहाँ लगाई है राइट विद द वॉशरूम, सो इट विल बी ईजियर टू एक्सेस आवर क्लोथ्स. इसके अंदर हम लोग टॉवल्स, बेड शीट्स, माई क्लोथ्स एंड ऑल देयर गोना कीप बीइंग गोइंग इन देयर. ये है बुक शेल्फ्स की सारी किताबें. ये सारी किताबें हम लोग इसके अंदर रखेंगे सेट करके. इट्स गोइंग टू बी ए हेक्टिक जॉब बट आई कांट वेट. सो गाइज, दिस वॉज इट फॉर टुडे. आई स्टिल हैव वन मोर थिंग टू शो यू गाइज विच विल बी द ग्रैंड टूर ऑफ द होल हाउस आफ्टर आई एम डन सेटिंग इट. सो आई हैव टू सेट माई रूम, आई हैव टू हेल्प माई मॉम सेट हर रूम, Harsher's room, and also I have to help my mom to clean the whole house, and it's going to be a wonderful adventure. So I hope you guys enjoyed this video. Make sure to stay tuned and also subscribe to my channel and ring the bell notification. Also like this video and share. I'll see you guys later. Allah Hafiz.